आज हम लोग 67 PT के बारे में बात करने जा रहे हैं। विशेषकर मैं उन छात्रों को एड्रेस करना चाहता हूं जिनके मन में यह संशय बना हुआ है कि एग्जाम कब होगा और उनका एडमिट कार्ड कब आएगा, और क्या यह एग्जामिनेशन UPSC के एग्जामिनेशन के साथ किसी प्रकार से उसका डेट क्लैश हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन और UPSC के एग्जामिनेशन के डेट का क्लैश नहीं होना चाहिए। यह एक नियम है और आप इस बात को समझें कि BPSC को यह जानकारी है, उनको यह पता है कि उनको क्या करना है और इस नियम के बारे में वो जानते हैं। विवाद तब उत्पन्न होता है जब हम यह बात करते हैं कि गैप में क्या एग्जाम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पर भी दो बातें हैं। पहली बात यह है कि 16 से 25 के बीच में एग्जामिनेशन है, तो इसे संपूर्णता में देखें या टुकड़ों में देखें। इसे संपूर्णता में ही देखा जाएगा, इसे टुकड़ों में नहीं देखा जाएगा। अगर हम टुकड़ों में देखते हैं और गैप में एग्जाम रख देते हैं या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम रख दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि वो बच्चे जिनका सेंटर बाहर है, बाहर से वापस वो अपने दूसरे एग्जाम के लिए सेंटर पे उनका जाना और फिर उस सेंटर पे पहुंचना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस कारण इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता है और इसका निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग के बेंच को करना है। इस कारण आप उनके विवेक पर इन चीज़ों को छोड़ दें, उन्हें इस नियम के बारे में उनको जानकारी है। रही बात एडमिट कार्ड जारी करने की, तो एडमिट कार्ड जारी करने का भी एक समय है, उसका भी एक टाइम पीरियड है और उसके बारे में भी नियम में उल्लेख है, तो उनको भी इस विषय में उनको जानकारी है। तो मुझे यह लगता है कि इस बात को लेकर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर संशय है तो वह संशय नहीं होना चाहिए।